नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया, जिसमें इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स ने न सिर्फ शानदार पारियां खेली बल्कि टीम को जीत के करीब भी पहुंचाया। इस तरह मैच में 337 रनों के विशाल स्कोर को डिफेंड न कर पाने वाले युवा भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने माना, हम और अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे, मगर इसका पूरा क्रेडिट इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जाता है, जिस तरह से उन्होंने विकेट पर शानदार बल्लेबाजी की। आपको बता दें कि भारत के द्वारा मिले 337 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो के बीच ओपनिंग विकेट के लिए एक बार फिर 110 रनों की साझेदारी, जिसमें रॉय 55 रन बनाकर रोहित शर्मा द्वारा रन आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए, जिससे स्टोक्स और बेस्टो के बीच मैच जिताऊ 175 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान बेस्टो ने 124 रन तो स्टोक्स ने 99 रनों की पारी खेली, जिससे इंग्लैंड ने आसानी से मैच को अपने नाम कर लिया। वहीं मैच के 37वें ओवर में 2 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा ने हार के बाद कहा, हमारे पास हमारी योजनाएं थी और हम इस बारे में बात करते हैं कि हम चीजों को कैसे निष्पादित करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमारे पास कुछ मौके आए लेकिन हम शायद उन्हें भुना नहीं पाए। हालांकि इसके बावजूद हमें इंग्लैंड को उनकी जीत का क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने मैच में खेला। हाँ बिल्कुल, मैच में 100% सुधार की जगह थी। जैसा कि मैंने कहा, हम अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे मगर हमें क्रेडिट इंग्लैंड को देना होगा। वहीं कृष्णा ने वनडे क्रिकेट के 2 मैचों के अनुभव के बारे में कहा, वनडे क्रिकेट में अब सिर्फ 4 खिलाड़ी ही बाहर रहते, ऐसे में बल्लेबाज जमकर गेंदबाजों पर बरसते। अपनी गेंदबाजी की बात करूं तो मेरा भी प्लान के अनुसार एग्जीक्यूशन और बेहतर हो सकता था। हाँ हमने गलतियां की लेकिन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की। अंत में प्रसिद्ध ने अपनी गेंदबाजी की कमजोरी और उसमें सुधार के बारे में कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं बेहतर शुरुआत करना चाहूंगा, मैं नई गेंद से गेंदबाजी में सुधार करना चाहता हूं, जिसके लिए वापस जाकर नई गेंद पर काफी काम करना चाहूंगा। बता दें कि 3 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर है, ऐसे में सीरीज का अंतिम मैच 28 मार्च को पुणे स्टेडियम में खेला जाएगा। I mean, yeah, we did have our plans, we did talk about the way they were going about things, but I know, I want to say we tried our best when we bowled. I mean, there were a couple of chances that could have gone our way, and we must give the credit to them, the way they played, the way they took on our bowlers. I think we must give the credit to them as well, but yeah, 100% there is room for improvement for our bowlers as well. Amol Karandar. Prasad, what has been the discussion in the group over the last couple of hours? Can you actually, how do you overcome such an onslaught? It's rare, especially in 50 overs, right? I mean, yeah, just like I said, I mean, we could have bowled better. I'm not denying the fact, but we need to give credit to the way they played as well. Yeah, it was an onslaught. We got it quite bad. I mean, that's the game of cricket today. White ball cricket with four outside for the 11 to 40 overs. It is bound to happen. I know we are going to bounce back stronger. It was the same situation last game. We did come back and have a great result for us. Amol,